तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ICICI डायरेक्ट में एक डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ICICI डायरेक्ट का डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसी लिंक पे क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि आप ICICI डीमेट अकाउंट 10 मिनट में ऑनलाइन ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर इंटर करके गेट OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे इंटर कर देना है। OTP इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना गूगल अकाउंट भी इंटर करना होगा, मिस ईमेल आईडी, तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आप जो भी ईमेल आईडी ऐड करना चाहते हो टाइप कर देना है। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको वैलिडेट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपके ईमेल आईडी पे OTP भेजा गया होगा, OTP इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर इंटर करना है और जो भी पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अगर आप व्हाट्सएप पे अपडेट्स पाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको इस पे टिक करके रखना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस पे क्लिक कर लेना है, आई कन्फर्म टू ओपन दिस अकाउंट, और यहाँ पे आपको अपना नाम दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास ICICI का बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे आपको इस पे टिक कर लेना है। अगर आपका किसी और बैंक में अकाउंट ओपन किया हुआ है तो यहाँ पे आपको इस पे टिक कर लेना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जिस भी अकाउंट में आपका खाता खुला हुआ है यहाँ पे आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर इंटर कर देना है, IFSC कोड भी इंटर कर देना है। यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप चूज कर लेना है, सेविंग या करेंट। यहाँ पे आपका ज्वाइंट अकाउंट है या फिर सिंगल अकाउंट है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड के अकॉर्डिंग आपका ब्रांच नाम और सिटी आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना सेम बैंक अकाउंट नंबर वापस से इंटर करके कन्फर्म भी करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंसेंट पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको प्रोसीड टू डिजी लॉकर पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर इंटर कर देना है, आधार नंबर इंटर करके यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पे OTP भेजा जाएगा, वो OTP यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। OTP इंटर करके यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है ताकि आपके आधार कार्ड का डिटेल फेच कर सके। तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा, जैसे कि जो भी आपके आधार कार्ड में नाम है उसका एड्रेस यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, दीज डिटेल्स आर करेक्ट, और यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लैंक व्हाइट पेपर पे साइन करके अपलोड करना होता है, तो सिंपली यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना सिग्नेचर अपलोड कर लिया, तो जो भी आप सिग्नेचर अपलोड करोगे वो JPG या फिर PNG फॉर्मेट में होगा और उसका साइज 10 MB से कम होना चाहिए। तो सिंपली आपको ब्लैंक व्हाइट पेपर पे साइन करके फोटो क्लिक करके रख लेना है। यहाँ पे आपको अब सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक नया डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ, ओपन न्यू ICICI डीमेट अकाउंट, तो यहाँ पे आपको इस पे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी ऐड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आपके अकाउंट के ऊपर आपके बाद आपके नॉमिनी का ही हक होता है, तो आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर, माता पिता, भाई बहन, किसी को भी नॉमिनी बना सकते हो। अगर आपको नॉमिनी नहीं बनाना है तो यहाँ पे आपको पहले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज आपको नॉमिनी बनाने के लिए नॉमिनी का सारा डिटेल भी ऐड करना होगा। तो यहाँ पे मैं पहले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको इस पे टिक कर लेना है और प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाता है, यू गेट ए फ्री स्टॉक, तो यहाँ पे आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है यस पे टिक करके और यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इंटर कर देना है। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। यहाँ पे आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है, यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस चूज कर लेना है, यहाँ पे आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस पे टिक करके रखना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ऑक्यूपेशन चूज कर लेना है, तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट चूज कर सकते हो, बिजनेसमैन, रिटायर्ड, सेल्फ एम्प्लॉयड, अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको इनकम सोर्स चूज कर लेना है, अगर यहाँ पे आपका इनकम सोर्स नहीं है तो आप अदर्स भी चूज कर सकते हो। एनुअल इनकम चूज कर लेना है कि एक साल में आप कितना कमा लेते हो, तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट हो तो लेस देन 1 लाख चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको इन सब पे टिक कर लेना है और यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको कोई स्पेशल ब्रोकरेज प्लान चूज करना हुआ तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो, यहाँ पे मैं नो पे सेलेक्ट करके रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो वेरिफिकेशन के थ्रू खुद को वेरीफाई करवाना होगा, तो यहाँ पे आपको फोटो क्लिक करके अपलोड करना होता है, तो यहाँ पे आपको इस पे चूज कर लेना है, आई एम यूजिंग मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो भी आप यूज कर रहे हो, और यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको परमिशन अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ सेल्फी के टिप्स आ जाते हैं कि जो भी आप फोटो अपलोड करोगे उसमें लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको डायरेक्टली वेबकैम में देखना है, मीन्स कैमरे की तरफ देखना है।
अगर यहाँ पे आप कोई ग्लास मीन्स चश्मा पहनते हो तो उसे उतार देना है। यहाँ पे आपको कैप भी नहीं पहनना है, तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर लेना है प्रोसीड टू टेक सेल्फी। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से परमिशन अलाउ कर देना है कैमरा का। उसके बाद यहाँ पे आपको कैमरा की तरफ देखते हुए फोटो क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो फेस वॉज मैच, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से कंसेंट पे टिक कर लेना है और आई एक्सेप्ट ई साइन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ई साइन करने के लिए NSDL के वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे आपको इस पे टिक कर लेना है और यहाँ पे आधार नंबर इंटर कर देना है। आधार नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पे OTP भेजा जाएगा, वो OTP यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। OTP इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इस टैब को बंद कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना मैसेजिंग ऐप ओपन कर लेना है। उसमें आपको कुछ इस टाइप का मैसेज आया होगा कि आपको इस वेबसाइट पे जाना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको पासवर्ड को जेनरेट करना पड़ता है और आपका यूजर आईडी आपका मोबाइल नंबर होगा। यहाँ पे आपको सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है जो भी लिंक दिया गया है मैसेज में, या फिर आप इस लिंक को टाइप भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे अब आपको मोबाइल नंबर इंटर कर देना है यूजर नेम की जगह पे, और यहाँ पे आपको फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको फिर से अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है, डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना है, पैन कार्ड नंबर इंटर कर देना है, ये कैप्चा यहाँ पे टाइप कर देना है और जेनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अब आपके मोबाइल नंबर पे वन टाइम पासवर्ड भेजा गया होगा, वो आपको इंटर कर देना है मीन्स OTP। OTP इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको मैक्सिमम 16 डिजिट का पासवर्ड इंटर करना है और सेम पासवर्ड को इंटर करके कन्फर्म भी कर देना है और क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का मैसेज आ जाता है, योर पासवर्ड हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो दोस्तों अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब आपको यूजर नेम और पासवर्ड पता चल चुका है, तो यहाँ पे आप प्ले स्टोर पे आके इसके ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हो, जिसका नाम है ICICI डायरेक्ट। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है और जो भी परमिशन मांगा जाए अलाउ कर देना है। यहाँ पे अब आप इस पे क्लिक करके यूजर नेम, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ या फिर पैन कार्ड नंबर इंटर करके लॉग इन कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको 6 डिजिट का एक्सेस कोड भी बनाने का ऑप्शन मिल जाता है, ताकि बार बार आपको यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर ना करना पड़े, बस आप इस कोड को इंटर करके लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोड इंटर कर देना है और सेम कोड को इंटर करके कंफर्म भी कर लेना है और यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो में बताए गए स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको अकाउंट ओपनिंग में कोई दिक्कतें आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हुआ तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी टाइप के छोटे छोटे यूजफुल वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस चैनल से जुड़े हैं अभी के लिए, बाय बाय।